जी बहुत चुनौती पूर्ण था ये, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, तो क्रैक करने में काफ़ी सफल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लास्ट ईयर भी 93 रैंक लाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद एहसास हुआ कि और अभी कुछ मेहनत की ज़रूरत है, जो थोड़ी कमी रह गई है वो इस बार मेरे ख्याल से मैंने पूरी करने की कोशिश की और उसी का परिणाम है कि इस बार 26 रैंक हासिल। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और पारिवारिक आपका बैकग्राउंड क्या है? जी पहले सवाल का तो उत्तर ये है कि मैंने घंटे कभी जोड़े नहीं कि कितना करता था। खाना पीना सोना और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो करता था, उसके अलावा पूरा टाइम मैं पढ़ाई को डिवोट करता था। और परिवार का बैकग्राउंड ये है कि पिताजी पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लास्ट ईयर उन्होंने जॉब छोड़ा, मम्मी होम मेकर हैं और भैया प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अब प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज कैसा महसूस हो रहा परिजनों को भी देखकर, सबकी खुशियों से आंखें भी भर आई है? आज मिक्स फीलिंग्स हैं। पहली ये कि सफलता के लिए काफ़ी खुश हूँ कि मुझे ये अब एक अवसर मिला है कि मैं कुछ चेंज ला सकूँगा सोसाइटी में किसी भी स्तर पर, और दूसरा ये एक चुनौती है, तो इसलिए थोड़ा मैं अपने आप को तैयार करूँगा कि चुनौतियों का सामना करूँ और जो चेंज लाने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया था वो ला सकूँ।